गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंटिन्यूइंग विद अवर लास्ट लेक्चर, जो कंडीशंस है प्रेफरेंशियल कैपिटल को इशू करने के लिए वो क्या है, जो कंडीशंस है दैट इज जो कंपनी है उसके पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स होने चाहिए एज पर सेक्शन 205 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स में, जिस फाइनेंशियल ईयर में वो डिसाइड कर रही है प्रेफरेंशियल को इशू करने के लिए। नेक्स्ट इज जो कंपनी है वो डिफॉल्टेड नहीं होनी चाहिए फाइल करने में अपने एनुअल अकाउंट्स और एनुअल रिटर्न्स लास्ट थ्री फाइनेंशियल ईयर्स की, जिस ईयर में उसने डिसाइड किया है प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने के लिए। तीसरी जो कंडीशन है दैट इज कंपनी कभी भी फेल नहीं होनी चाहिए डिपॉजिट्स के ऊपर को रीपे करने में, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है ड्यू डेट को उसे रीपे करने में, और डिबेंचर्स के ऊपर जो डिविडेंड है उसे रीपे करने में। जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है कंपनी के वो ऑथराइज करे इशू ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। जो कंपनी है वो कभी भी कन्विक्टेड नहीं होनी चाहिए किसी भी ऑफेंस में अंडर सेबी एक्ट 1992, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। जो कंपनी है वो डिफॉल्टेड नहीं होनी चाहिए इन मीटिंग इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस। जो कंपनी है उसे उसके पास अप्रूवल होनी चाहिए शेयर होल्डर्स की इन जर्नल मीटिंग रेजोल्यूशन पास करके अंडर सेक्शन 94। जो लिस्टेड पब्लिक कंपनी है उसके पास अप्रूवल होनी चाहिए, वो अप्रूवल ले सकती है शेयर होल्डर्स का थ्रू पोस्टल बैलेट। नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर्स, जो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है दैट इज जो नोटिस ऑफ द मीटिंग है जिसमें आप रेजोल्यूशन पास करेंगे उसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आपको देनी है, और उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, क्या रेट ऑफ वोटिंग राइट होगा, इक्विटी शेयर्स कैपिटल जिनके पास डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हैं, स्केल प्रोपोर्शन क्या होगा, जिस प्रोपोर्शन और स्केल में उन्हें वोटिंग राइट्स मिलेगी और जिस टाइप ऑफ शेयर्स को वो वोटिंग राइट मिलेगी। जो शेयर्स हैं विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, जो भी आपकी शेयर कैपिटल इशूड है उससे 26% से ज़्यादा नहीं हो सकता। जो कंपनी है वो कन्वर्ट नहीं करेगी अपनी इक्विटी कैपिटल विद वोटिंग राइट्स को इक्विटी शेयर कैपिटल विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में, या और जो शेयर्स हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट के उनको कन्वर्ट वो नहीं कर सकती इक्विटी शेयर्स कैपिटल विद वोटिंग राइट्स में। जो मेंबर है कंपनी का जो होल्ड कर रहा है इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, वो एंटाइटल्ड होगा बोनस शेयर्स के लिए राइट इशू ऑफ शेयर्स के लिए। जो होल्डर है इक्विटी विद डिफरेंशियल राइट्स का वो एंजॉय करेगा सभी राइट्स जो होल्डर को हैं एक्सेप्ट राइट टू वोट। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज डेब्ट सिक्योरिटी। इन सिक्योरिटीज को हम क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज भी कहते हैं, इसमें हम डिबेंचर्स और बॉन्ड्स को इंक्लूड करते हैं। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स जो कॉर्पोरेट्स के होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स के होते हैं, पूरे डेब्ट मार्केट का बहुत स्मॉल पार्ट है। तो प्रीडोमिनेंटली जो सिक्योरिटी है डेब्ट मार्केट में वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जो डिटेल्स है कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज की वो क्या है, पहला है आपका डिबेंचर्स। डिबेंचर क्या होते हैं, डिबेंचर एक टाइप का लोन एक्नॉलेजमेंट है जो कंपनी ने लिया है पब्लिक से। डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है स्पेसिफाइड रेट से जो भी फेस वैल्यू होती है डिबेंचर की उसके ऊपर। जो कंपनी है वेरियस टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स को वो इशू कर सकती है। नॉर्मली जो डिबेंचर होता है कंपनी एक सर्टिफिकेट की फॉर्म में इशू करती है अंडर द सील ऑफ द कंपनी। एक रिटन एक्नॉलेजमेंट है कि जो कंपनी है उसने डेब्ट लिया है उसके ऊपर उसकी सील लगी होती है। जो डिबेंचर सर्टिफिकेट होती है उसमें ही टर्म्स जो है रीपेमेंट की, प्रिंसिपल सम की, स्पेसिफाइड डेट पर जो आप रीपे करो, जो आपको रीपे होगा, और टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स्ड जो है वो उसमें मेंशन होती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, डिबेंचर का मतलब है डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। देन करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या हैं डिबेंचर्स के, डिबेंचर्स एक कंपनी जो इशू करती है वो इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट होता है, रिटन एक्नॉलेजमेंट होती है कि कंपनी ने डेब्ट लिया है। डिबेंचर इशू होता है अंडर सील ऑफ द कंपनी। एक कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे लिखा होता है कि आपको रीपेमेंट प्रिंसिपल सम की एक स्पेसिफाइड डेट पर
होगी। डिबेंचर होल्डर्स को रिसीव होता है इंटरेस्ट डिबेंचर्स के ऊपर एक फिक्स्ड रेट पर, जो सर्टिफिकेट में मेंशन होता है, और जो पेमेंट है इंटरेस्ट की नॉर्मली आफ्टर एवरी 6 मंथ्स की जाती है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे ना हो। देन जो डिबेंचर्स होल्डर्स होते हैं वो जनरली सिक्योर्ड होते हैं बाय अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। इसका मतलब कि अगर कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को पे नहीं करती है एज पर टर्म्स ऑफ द इशू, तो जो शेयर होल्डर्स हैं डिबेंचर होल्डर्स हैं सॉरी जो डिबेंचर होल्डर्स हैं वो कोर्ट के पास जा सकते हैं और जो भी एसेट्स उन्होंने रखवाई थी उन एसेट्स को बेचकर अपना जो मनी है वो वापस ले सकते हैं। जो भी फंड्स आप रेज करते हो बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स वो लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं और रीपे होता है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, जैसे 7 ईयर्स, 10 ईयर्स या 12 ईयर्स। और ये जो लोन्स आप रेज करते हो इशू ऑफ डिबेंचर्स को रेज करके, उसे लोन कैपिटल कहा जाता है। नेक्स्ट इज टाइप्स और काइंड्स ऑफ डिबेंचर। कंपनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स इशू कर सकती है। पहला है आपका सिक्योर्ड और मॉर्टगेज डिबेंचर। ये डिबेंचर्स जो सिक्योर्ड होते हैं किसी पर्टिकुलर एसेट्स के ऊपर, तो उसे फिक्स चार्ज कहा जाएगा, और अगर सभी एसेट्स ऑफ दी कंपनी के ऊपर सिक्योरिटी है तो उसे हम फ्लोटिंग चार्ज कहते हैं, और इंडिया में डिबेंचर्स का सिक्योर्ड होना नेसेसरी है। देन अनसिक्योर्ड और नेकेड डिबेंचर, वो डिबेंचर्स जिनके ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती है उन्हें हम अनसिक्योर्ड और नेकेड डिबेंचर्स कहते हैं। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो होते हैं जिनका जो नेम और एड्रेस है वो कंपनी के रजिस्टर में रिकॉर्डेड है, जिसे रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स कहा जाता है, वो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स होंगे। बेरर डिबेंचर्स, जिनका नेम और एड्रेस जो कंपनी के रिकॉर्ड में है वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसे हम बेरर डिबेंचर्स कहते हैं। देन रेडीमेबल डिबेंचर्स, रेडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जो कंपनी को एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद या ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी उसे वापस करने होते हैं। देन इररिडीमेबल और परपेचुअल डिबेंचर्स, वो डिबेंचर्स होते हैं जो कंपनी की लाइफ टाइम में रीपेबल नहीं होते, वो सिर्फ रीपेबल होते हैं एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। देन आते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जो जो डिबेंचर्स जिनके पास आप ऑप्शन होता है कि वो एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में, उसे हम कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहते हैं। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जिनके पास ये ऑप्शन नहीं होता है। देन इसके बाद डिफरेंट इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर यूज करता है फंड्स को रेज करने के लिए, और ये जो चीज़ें हैं हम ऑलरेडी जो इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं ऑलरेडी पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। और सेम चीज़ आप अपने IFS में जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा था उसमें भी डिस्कस हो चुके हैं, जहाँ पे जीरो कूपन बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में जो चीज़ें हैं वो आपने पढ़ी थी। देन प्राइजिंग न्यू इशू का, जो न्यू इशू है उसे आप एट प्रीमियम इशू कर सकते हैं, एट पार वैल्यू इशू कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट होता है कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज का जो टॉपिक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।